हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू सिंघल आप सब लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल लॉ वॉलेट पे स्वागत करती हूँ। अगर आप ऑनलाइन सेल करते हैं, मींस अमेजोन, फ्लिपकार्ट, पेटीएम एक्सेट्रा के थ्रू सेल करते हैं, तो आपको कैसे अपनी GSTR 3B, GSTR 1 फाइल करनी है, कौन सी न्यू GSTR रिटर्न आप पे एप्लीकेबल होगी और उस न्यू GSTR रिटर्न में आप कैसे डेटा फिल करेंगे, हम सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इन सबसे पहले हमें देखना है कि ऑनलाइन पोर्टल से, मींस पेटीएम से, फ्लिपकार्ट से, अमेजोन से हमें अपने GST की रिपोर्ट कैसे जनरेट करनी है, जिसको मैं अपने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूं और जिसका लिंक मैंने इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। इससे पहले कि मैं आपसे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस करूं, फ्रेंड्स, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और लोगों से शेयर कीजिए ताकि हमें इसी तरह से मोटिवेशन मिलता रहे। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट टिप है हमारे पास TCS। जी फ्रेंड्स, आपको पता है जब आप ऑनलाइन सेल करते हैं तो आपका TCS डिडक्ट होता है, वो क्या हमारे कैश लेजर में ऑटोमेटिकली आ जाता है या हमें इसके लिए क्या करना होता है? तो चलिए इसके लिए मैं आपको दिखाती हूँ क्या करते हैं। ये हमारे कैश लेजर में ऑटोमेटिक नहीं आता, इसे हमें एक्सेप्ट करना पड़ता है और फाइल भी करना पड़ता है TCS सर्टिफिकेट। इसके लिए मैं आपको लॉग इन करके दिखाती हूँ। हम अपने GST में लॉग इन करते हैं। ये हमने लॉग इन किया, ये हमें मिलेगा सर्विसेज में, सर्विसेज में रिटर्न में, रिटर्न में हम जाके क्लिक करेंगे TDS एंड TCS सर्टिफिकेट रिसीव्ड पर। इस पे हम क्लिक कर देंगे, ये हमारे पास खुलकर आ गया। इस पे अब हमें हमारा चल रहा है फैब, हमें फैब के लिए रिटर्न फाइल करनी है। फैब पे क्लिक किया, यहाँ पे सर्च। अब आप देखेंगे यहाँ पर आ गया आपका TDS एंड TCS सर्टिफिकेट रिसीव प्रिपेयर ऑनलाइन। यहाँ पे आप देखेंगे आपका अभी यहाँ पर ब्लैंक नजर आएगा, जीरो। इसके लिए आपको इसके अंदर इस टेबल पे क्लिक करके इसके अंदर जाना होगा। तो देखिए ये हमारे पास 3 रिकॉर्ड आ गए। इन्होंने अमेजोन से सेल के कैसे पता चल रहा है, CA, हमें पता है ये पैन नंबर बेस्ड होता है। C4 कंपनी, A4 अमेजोन, देन C4 कंपनी, F4 फ्लिपकार्ट, C4 कंपनी, P4 पेटीएम, नो एक्शन टेकन। हम इसको सिलेक्ट करेंगे, अगर हमारी ये सेल मैच होती है हमारी रिपोर्ट से तो हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे, और अगर कोई इश्यूज है तो हम इसको रिजेक्ट भी कर सकते हैं। जनरली बेटर यही रहता है हम इसे एक्सेप्ट कर ले, हम इसके अकॉर्डिंगली हमारी सेल मैच कर लेते हैं, फिर हम एक्सेप्ट पे क्लिक कर देंगे। एक्सेप्ट करने के बाद आप देख रहे हैं हमारा एक्शन किसमें कन्वर्ट हो गया, एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड। इसके बाद बैक करके हम आप बाहर जाएंगे और उसके बाद OTP का केस है तो आप OTP से, अदरवाइज DSC लगा के इस सर्टिफिकेट को आपको फाइल करना होगा। उसके बाद ये बैलेंस आपके कैश लेजर में जाके रिफ्लेक्ट हो जाएगा। हमने बैक किया TCS से, अब देखिए पहले 0 रिकॉर्ड आ रहे थे, अब 3 रिकॉर्ड आ रहे हैं। अब इसको आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे प्रोसीड टू फाइल। जैसे प्रोसीड टू फाइल करेंगे ये चेकबॉक्स जो भी डिसेबल था ये एबल हो जाएगा। अब यहाँ क्लिक करेंगे, ऑथराइज सिग्नेचर को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद ये फाइल हो जाएगा। जैसे हमने ऑथराइज सिग्नेचर को एक्सेप्ट किया, उसको पिक किया, तो यहाँ से अब आपका आ जाएगा फाइल TDS TCS क्रेडिट रिसीप्ट। इसको क्लिक कर देंगे, क्लिक करने के बाद वार्निंग आएगी, यू आर अबाउट टू फाइल, आर यू वॉन्ट टू श्योर यू वॉन्ट टू कॉन्टिन्यू, यस कर देंगे हम। यस करते ही जैसे ये हमारे पास DSC का केस है, फाइल विद DSC आ जाएगा, पर अगर आपका प्रोप्राइटर का केस है, पार्टनरशिप फर्म का केस है, तो आप OTP के थ्रू भी इसको फाइल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट देखा ई फाइलिंग के, सॉरी ऑनलाइन सेल के केस में TCS। बहुत लोगों को ये बात पता ही नहीं होती और वो TCS का क्रेडिट उनका पड़ा रहता है और वो उसको क्लेम नहीं करते। तो TCS आपको कहाँ मिलेगा, सर्विसेज में, रिटर्न में जाएंगे, वहां TDS और TCS का टैब आएगा, उस पर क्लिक करेंगे, ऊपर से लगेगा जैसे कोई रिकॉर्डिंग नहीं है, पर आप TCS के टेबल में क्लिक करेंगे, अंदर जाएंगे और अपने सेल्स को एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद वो आप फाइल टू रिटर्न करेंगे, फाइल करेंगे, फाइल करने के बाद आप OTP या DSC के थ्रू फाइल कर देंगे, तो ये आपका जो क्रेडिट है ये आपके कैश लेजर में क्रेडिट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये हमने देखा कैसे TCS आपको एक्सेप्ट करना है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अब आपको रिपोर्ट्स के साथ कैसे अपनी रिटर्न्स को फाइल करना है।
आप देख चुके हैं कि फ्लिपकार्ट, पेटीएम और अमेजोन एक्सेट्रा से आप अपने जीएसटी की रिपोर्ट को कैसे डाउनलोड करेंगे। आप देख चुके हैं कि टीसीएस से आपका क्रेडिट कैश लेजेंड में कैसे रिफ्लेक्ट होगा। अब हमें सेल फाइल का सेल की डिटेल डालनी है। सेल की डिटेल जो आपने ई कॉमर्स ऑपरेटर की साइट पे जाके डाउनलोड की, एक सेल वो आई आपकी और एक सेल जो टीसीएस में रिफ्लेक्ट कर रही थी, आपको इन दोनों सेल को कंपेयर करना है। जो आपकी जीएसटी रिपोर्ट के थ्रू सेल्स आई वो और जो टीसीएस में सेल रिफ्लेक्ट कर रही थी वो, ये दोनों सेल इक्वल होनी चाहिए। रिपोर्ट में जो सेल आई है और जो टीसीएस में सेल है, रिपोर्ट की सेल टीसीएस की सेल से ज्यादा हो सकती है पर वो कम किसी भी सिचुएशन में नहीं हो सकती। मींस मैं क्या कहना चाहती हूँ, फ्लिपकार्ट से आपने रिपोर्ट जनरेट की, वहां पे वो सेल आपके शो कर रहा है 100 रुपीज, पर टीसीएस में वो रिपोर्ट शो कर रहा है 80 रुपीज, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टीसीएस में रिपोर्ट है 100 रुपए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर रिपोर्ट में सेल आपके 90 रुपीज नहीं होनी चाहिए और टीसीएस में 100 रुपए, ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं चलेगा। फ्लिपकार्ट में सेल 100 रुपए है और टीसीएस में 100 रुपए है तब भी चलेगा, फ्लिपकार्ट में 100 रुपए है टीसीएस में 80 रुपए तो भी चलेगा, पर फ्लिपकार्ट में 80 रुपए है पर टीसीएस में 100 रुपए, ऐसा नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि आप फ्लिपकार्ट वाले कहते हैं कि हमने 100 रुपए की सेल पे टीसीएस काटा, पर आप कह रहे नहीं हमारे तो 80 रुपीज की सेल है, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो जो आपने जीएसटी की रिपोर्ट नंबर ऑफ ऑनलाइन पोर्टल से डाउनलोड की है उसकी सेल और टीसीएस की सेल, आपके रिपोर्ट की सेल टीसीएस की सेल से इक्वल या उससे ज्यादा हो सकती है, कम नहीं हो सकती। ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपके पास नोटिस आने के बहुत जबरदस्त चांसेस रहेंगे, क्योंकि वो ऑनलाइन पे बिलीव करेंगे कि वो जो सेल कह रहे वो करेक्ट है। अगर आप उससे कम शो करेंगे तो वो मान के चलेंगे कि आप टैक्स इवेड कर रहे हैं। तो अब हम एक एक सेल करके चलते हैं कि थ्री बी कैसे फाइल करनी है। इसके लिए हम सबसे पहले पेटीएम की सेल रिपोर्ट देखते हैं, फिर देखेंगे कि हम कैसे पिवट टेबल को क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले हम पेटीएम की सेल रिपोर्ट देखते हैं। फ्रेंड्स ये है पेटीएम की सेल रिपोर्ट। सबसे पहले देखिए सेव एज का ऑप्शन देता है, हमें सेव एज कर लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जितनी भी रिपोर्ट्स हमने ई कॉमर्स ऑपरेटर की साइट से डाउनलोड किए हैं, बहुत बार क्या होता है हम उसमें जो चेंजेस करते हैं वो सेव नहीं हो पाते हैं। तो सबसे बेटर रहता है पहले आप इसको एक्सेल के फॉर्म में सेव कर लीजिए। तो हम सबसे पहले इसको एक्सेल के फॉर्मेट में सेव कर लेते हैं। हमने इसको सेव एज कर लिया, पेटीएम जीएसटी रिपोर्ट फेब 2020। अब देखिए फ्रेंड्स हमारे माइंड में टारगेट क्या है, हमें जीएसटी और 3B फाइल करने हैं। 3B में सबसे पहले टेबल 3 में हमारे पास 3.1 है, 3.2 है। 3.1 में हमको क्या शो करनी है, टोटल सेल, चाहे वो B2C है, चाहे वो B2B है, चाहे वो इंटरस्टेट है, चाहे वो लोकल स्टेट है, लोकल है सॉरी। और 3.2 में हमको शो करनी होती है इंटरस्टेट सेल जो कि हमने अनरजिस्टर्ड पर्सन को की है। तो उस केस के अंदर जनरली क्या होता है, सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जो ई कॉमर्स ऑपरेटर है वो 3.2 की सेल शो नहीं करते, मींस अनरजिस्टर्ड पर्सन की इंटरस्टेट सेल शो नहीं करते, जो कि शो करना एज सच कंपल्सरी है। बेसिकली रीजन आप समझेंगे तो आप अप्रिशिएट भी कर पाएंगे कि उसको शो करना कंपल्सरी क्यों है। अगर B2B सेल होती है तो हमको पता है उसने ITC लेना है, वो एंड यूजर के पास नहीं गया है। पर अगर B2C है तो अगर आप उसे नहीं बताएंगे कि किस स्टेट का उस IGST में कितना शेयर है, तो स्टेट्स आपस में उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे जब तक कि आपकी वन फाइल नहीं होगी। अगर आपके वन मंथली फाइलर है तो आपने पहले ये काम कर लिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि उसमें जस्ट दोबारा से रिपीट करना है डाटा। पर अगर आपका क्वार्टरली फाइलिंग है तो उनको 3-3.5 महीने तक वेट करना पड़ेगा जब तक आप शो नहीं करेंगे। इसलिए फिर 3.2 के अंदर जो इंटरस्टेट सेल अनरजिस्टर्ड पर्सन को की गई है उसे शो करना कंपलसरी है। तो इसके अंदर आपको क्या चाहिएगा, आपको एक तो स्टेट चाहिए कहाँ डिलीवरी हुई है, देन आपके क्या टैक्सेबल वैल्यू है और उसमें कितना IGST है। तो इस केस के अंदर जो पेटीएम की सेल रिपोर्ट होती है इसके अंदर B2B, B2C और IGST और CGST की सब फिगर मिक्स होती है। तो इसके अंदर सबसे पहले आपको फिल्टर लगाना होगा, सिर्फ हमको B2C की सेल लेनी है। तो जैसे कि मैंने आपसे शेयर किया था, इन्होंने लास्ट में दिया होता है कि कस्टमर GSTN, ये रहा, ये आ गया हमारे पास कस्टमर GST है। आप यहाँ पे फिल्टर लगा के सिर्फ जहां पे ब्लैंक स्पेस आ रहे बोलेंगे, मेरे केस में सारे ही ब्लैंक है, यहाँ पे B2B की कोई सेल नहीं है तो मैंने इसलिए फिल्टर नहीं लगाया। अब मुझको क्या चाहिए, मुझको चाहिए स्टेट। तो सबसे पहले हम स्टेट ले लेंगे, हमारे पास स्टेट आ गई, ये रहा हमारे पास।
हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे सारा। देन सेकंड हमें चाहिए टैक्सेबल वैल्यू, हम ये वाले सिलेक्ट कर लेंगे कॉलम पूरा। और फिर हमको चाहिए सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड आईजीएसटी। ये रेफरेंस नंबर है सीजीएसटी, आईजीएसटी एंड एसजीएसटी। तो हमें कौन कौन से कॉलम कॉपी करने हैं, हमें स्टेट कॉपी करना है, हमें टैक्सेबल वैल्यू कॉपी करना है, हमें आईजीएसटी कॉपी करना है, हमें सीजीएसटी कॉपी करना है, हमें एसजीएसटी कॉपी करना है। ये हम एक फाइल में कॉपी कर लेंगे। इसी तरह से सेम वे में हम फ्लिपकार्ट में जाएंगे, वहां से, क्योंकि अगर आपको याद होगा अभी मैं दिखा भी दूंगी, फ्लिपकार्ट के अंदर इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट सेल की डिटेल अलग अलग होती है, तो उसके अंदर हम सिर्फ कॉपी कर लेंगे स्टेट, टैक्सेबल वैल्यू एंड आईजीएसटी। क्यों? क्योंकि लोकल सेल के लिए हमें 3.2 में डिटेल नहीं देनी। सेम वे में हम अमेजोन में जाएंगे, अमेजोन में बी टू बी की सेल पे नहीं, सिर्फ बी टू सी की सेल पे वर्क करेंगे। क्यों? क्योंकि बी टू बी की सेल को हमें 3.2 में शो नहीं करना होता। हम जाएंगे बी टू सी वाले सेल रिपोर्ट पे, और सेम वे में वहां से कौन कौन से कॉलम कॉपी करेंगे, हम स्टेट की कॉलम कॉपी करेंगे, टैक्सेबल वैल्यू, आईजीएसटी, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, और एक के नीचे एक हम उसको पेस्ट कर देंगे। तो हमने यहाँ से कॉपी कर लिया, हमारे पास स्टेट कॉपी हो गया, हमने यहाँ से टैक्सेबल वैल्यू कॉपी कर लिया, हमने आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी कॉपी कर लिया, और एक न्यू फाइल बनाई। तो मैं दिखाती हूँ आपको न्यू फाइल, ये हमारी आ गई न्यू फाइल। हमने यहाँ पे स्टेट ले लिया, टैक्सेबल वैल्यू लिया, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी ले लिया। अब इसी तरह से हम फ्लिपकार्ट की साइट फाइल ओपन करेंगे। हमने फ्लिपकार्ट की फाइल जो डाउनलोड की थी ओपन की, इसको भी सेव एज कर लिया, सेम फाइल में हमने वर्क नहीं किया। आपको याद होगा फ्रेंड्स, हमने देखा था ये इंटर स्टेट है, यहाँ से हमारे पास स्टेट कॉपी कर लेंगे और हम यहाँ से स्टेट कॉपी कर लेंगे, टैक्सेबल वैल्यू कॉपी करेंगे और आईजीएसटी कॉपी करेंगे, और जो फाइल दिखाई थी उसी के नीचे हम पेस्ट कर देंगे। मैं दिखा देती हूँ आपको, उसी में जहां ऊपर हमने पेटीएम की फाइल ली थी उसी के नीचे हमने स्टेट के नीचे स्टेट केयरफुली, टैक्सेबल वैल्यू के नीचे टैक्सेबल वैल्यू और आईजीएसटी के नीचे आईजीएसटी कॉपी कर दिया। इसमें सीजीएसटी एसजीएसटी का हमने नहीं लिया क्योंकि 3.2 में हमको शो करने की कोई नीड नहीं थी। अब हम अमेजोन की बी टू सी की फाइल खोलेंगे और उसको भी सेव एज कर देंगे एक्सेल के फॉर्मेट में। ये इसी तरह से हमारे पास बी टू सी अमेजोन का था, हम यहाँ से स्टेट ले लेंगे, कौन सी स्टेट है हमारी, स्टेट आ गई हमारे पास, यहां से हम स्टेट ले लेंगे अपनी, टैक्स एक्सक्लूसिव ग्रॉस टैक्सेबल वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, फिर हमारे पास ये आ जाएगा हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट बेस ले लेंगे हम, सीजीएसटी लेंगे, एसजीएसटी लेंगे एंड आईजीएसटी लेंगे। जैसे कि मैंने बताया इसके अंदर हमारा सीजीएसटी एसजीएसटी के सेल मिक्स होती है। ये तीनों कॉपी किया हमने और उस फाइल में जाके पेस्ट कर दिया। उस फाइल पे चलते हैं, ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हमने यहाँ तक हमारे पास फ्लिपकार्ट था, अब यहाँ पे हमने पेटीएम को, सॉरी अमेजोन को भी पेस्ट कर दिया। अब इसके बाद हम प्राइवेट बनाएंगे। इसके प्राइवेट बनाने के लिए आप लोगों को पता ही है, सिलेक्ट करेंगे हम यहाँ से इंसर्ट, इंसर्ट में हमारे पास, मैं दिखाती हूँ एक सेकेंड, प्राइवेट टेबल यहां से आ जाएगी हमारे पास। हमने इसको न्यू शीट पर ले गए। अब हमको क्या क्या चाहिए, हमें आइटम स्टेट यहां पर आ जाएगा, टैक्सेबल वैल्यू वैल्यू में ले जाएंगे हम, इसी के बाद हमें आईजीएसटी चाहिए, इसके बाद हमें सीजीएसटी चाहिए, इसके बाद हमें एसजीएसटी चाहिए। तो फ्रेंड्स देखिए, ये तो समझाने में थोड़ा टाइम लगा, अदरवाइज आप देखेंगे तीनों साइट से रिपोर्ट डाउनलोड करने के बाद आपको 3.2 फिल करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। अब उसके बाद आप कॉरेस्पॉन्डिंगली आंध्र प्रदेश, ये जैसे ये जो क्लाइंट है हमारा हरियाणा का, ये इनकी लोकल सेल होगी, इसको छोड़ देंगे, बाकी सेल आप 3.2 में फिल कर देंगे। अब इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टिप क्या है, जो टीसीएस से सेल हुई है उसको आपको सबसे पहले मैच करना है। कैसे मैच करेंगे,
जैसे आप फ्लिपकार्ट पे गए, आपके एग्रीगेट टैक्सेबल वैल्यू देखिए इतना आ रही है 22,574। इसके अंदर हमने लोकल सेल की ले ली, लोकल सेल के आप कहाँ से ले लेंगे, जो आपके नेक्स्ट टेबल है। यहाँ से हमने लोकल सेल उठा ली अपनी 178 पॉइंट, यहाँ पर हमने ले लिया, इसका टोटल किया, तो ये जो मैंने आपको टीसीएस पे दिखाया था उस टोटल से मैच करना चाहिए। जो ये आपकी टैक्सेबल वैल्यू, एग्रीगेट टैक्सेबल वैल्यू आ गई नेट ऑफ रिटर्न, ये टोटल और जो टीसीएस में हमने जहां सबट्रैक्शन का एक्शन लिया था उसे मैच करना चाहिए। सिमिलरली आपको पेटीएम में चेक करना है, मैं चेक करा देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, फ्लिपकार्ट में हमारी यही फिगर आ रही थी 22,752 और अमेजोन लिए हमारे पास पेटीएम में 44,007 रुपीज। हम अब अपनी पेटीएम की रिपोर्ट चेक करते हैं। ये देखिए, ये हार्डली 1-2 रुपए का हमारे पास डिफरेंस है और अदरवाइज सेम है, इसी तरह से अमेजोन की। तो फ्रेंड्स, ये हमने देखा किस तरह से आपको अपने पावर टेबल बनाने हैं, किस तरह से रिपोर्ट जनरेट करनी है और किस तरह से टीसीएस के सर्टिफिकेट आपको डाउनलोड करने हैं, सॉरी फाइल करने हैं। तो इस बेसिस पे आपकी प्राइवेट टेबल बन गई है और होप्सो 3B हमें फाइल करनी आती है। इसके अंदर जो आपकी B2B की सेल है वो ऐड हो जाएगी और उसको आप 3.1 में शो करेंगे। और 3.2 के लिए हमने प्राइवेट टेबल बना ली है, मैं एक बार फिर से आपको दिखा देती हूँ। 3B में जैसे आपको पता है टैक्स ऑन आउटपुट सप्लाई रिवर्स चार्ज, और इसके अंदर आपकी सारी डिटेल चली जाएगी। B2B की सेल उस सेल में ऐड होने के बाद यहाँ पे शो कर देंगे। और 3.2 आपका इंटर स्टेट सेल आपका स्टेट वाइज पर आ जाएगा, आप एक एक स्टेट करके ऐड करते जाएंगे यहाँ टैक्सेबल वैल्यू और उस पर कितना टैक्स है, किस बेसिस पे जो आपके वो प्राइवेट टेबल है। अगर आप प्राइवेट टेबल देखना चाहते हैं तो ये आकर हमारी प्राइवेट टेबल, स्टेट डाल देंगे, टैक्सेबल वैल्यू और IGST। सो फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड कोई भी आपके डाउट्स है आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम शेयर करेंगे कि अगर आप ऑनलाइन सेल करते हो तो कौन सी न्यू रिटर्न आप पे एप्लीकेबल है, और न्यू रिटर्न और इस रिटर्न में और रिटर्न्स में क्या डिफरेंस रहेगा, और कमीशन के इनवॉइस कैसे आप डाउनलोड करेंगे और उस पर TDS कैसे कैलकुलेट करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स।